तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे अपने लैपटॉप कंप्यूटर या अपने डेस्कटॉप के फॉन्ट साइज और आइकन साइज को बढ़ा या घटा सकते हो। मतलब कि कैसे आप अपने लैपटॉप के टेक्स्ट साइज को या अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के आइकन साइज को बढ़ा या घटा सकते हो। तो दोस्तों लैपटॉप या कंप्यूटर में अपने फॉन्ट को और अपने आइकन को बढ़ाने और घटाने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके लिए बस आपको इस वीडियो को अंत तक देख लेना है, जिससे कि आपको सारे पार्ट सही से समझ में आ जाएं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपने लैपटॉप और कंप्यूटर में फॉन्ट साइज और आइकन साइज को बढ़ाने और घटाने के लिए यहाँ नीचे आपके लैपटॉप में एक विंडोज़ का आइकन शो हो रहा होता है। तो अब आपको अपने इस विंडोज़ वाले आइकन पर टैप करना है। विंडोज़ वाले आइकन पर टैप करने के बाद यहाँ आपको बहुत से ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। वहीं यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल रहा होता है सेटिंग्स का। तो अब आपको इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर टैप करना है। और सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर टैप करने के बाद अब आपके सामने एक नया विंडोज़ ओपन होता है। और यहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। वहीं लेफ्ट साइड में यहाँ दूसरे नंबर पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होता है सिस्टम का। तो अब आपको इस सिस्टम वाले ऑप्शन पर टैप करना है। और सिस्टम वाले ऑप्शन पर टैप करने के बाद इधर पहले ही नंबर पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होता है डिस्प्ले का। तो अब आपको इस डिस्प्ले वाले ऑप्शन पर टैप करना है। और डिस्प्ले पे टैप करने के बाद यहाँ आपको बहुत से ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। वहीं यहाँ नीचे दूसरे नंबर पे आपको एक कॉलम मिल रहा होता है स्केल एंड लेआउट का। और स्केल एंड लेआउट में यहाँ पहले ही नंबर पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होता है स्केल का, जहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट एप्स एंड अदर आइटम। तो दोस्तों अब अगर आप अपने लैपटॉप के फॉन्ट साइज मतलब कि टेक्स्ट साइज और अपने आइकन के साइज को बढ़ाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा होता है एक एरो का। तो अब आपको इस एरो वाले आइकन पे टैप करना है। और एरो पे टैप करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग अपना वो साइज सेलेक्ट कर लेना है, जिस साइज में आप अपने फॉन्ट और टेक्स्ट को रखना चाहते हो। जैसे कि मैंने यहाँ से 175% कर दिया। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे लैपटॉप के फॉन्ट साइज का आइकन बढ़ गया है। और मैं यहाँ से बैक करता हूँ, तो दोस्तों अब आप यहां पे देख सकते हो कि मेरे लैपटॉप के आइकन का भी साइज बड़ा हो गया है। तो दोस्तों अब अगर आप अपने लैपटॉप के फॉन्ट साइज और आइकन साइज को छोटा करना चाहते हो, तो सिंपली अब आपको फिर से सेटिंग्स पे टैप करना है। देन आपको इस एरो पे टैप करना है और यहां से अपने अकॉर्डिंग अपना साइज सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे 100% किया। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे लैपटॉप का फॉन्ट साइज यहाँ पे छोटा हो गया है। तो दोस्तों मैं यहाँ रिकमेंड करूँगा कि आपके लैपटॉप में पहले से जो रिकमेंडेड है, तो सिंपली अब आपको वही रखना है। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि कैसे आप अपने लैपटॉप के फॉन्ट साइज और आइकन साइज को बढ़ा या घटा सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। और ऐसे टिप्स एंड ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।